हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाजिया कनेक्ट्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ग्रिल पेरी पेरी चिकन की रेसिपी। तो इस ग्रिल चिकन को देख के लग रहा है ना कि इसे बारबेक्यू किया गया है कोयले पे या फिर इसे अवन में बनाया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे हमने बनाया है सिंपल रेगुलर पैन पे। वैसे आप चाहें तो अवन में भी बना सकते हैं, उसकी भी डिटेल शेयर की है आपके साथ। ऑल्सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ पेरी पेरी सॉस की भी रेसिपी शेयर की है, जिसे इस्तेमाल करके आप इस तरह का एक हाई फाई रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटर भी बना सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत झटपट तैयार होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेरी पेरी चिकन के लिए सबसे पहले हम एक पेरी पेरी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है रेड बेल पेपर 1, ये मीडियम साइज की बेल पेपर है जिसे मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। साथ ही लेंगे लहसुन यानी कि गार्लिक। मैं यहाँ पे 3 जवे लहसुन के इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास थोड़े बड़े लहसुन थे तो आप क्वांटिटी से देख सकते हैं, अराउंड 2 टेबलस्पून लहसुन लेंगे हम। साथ ही लेंगे 2 सूखी लाल मिर्च यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, और लिया है मैंने प्याज। प्याज हम लेंगे आधी मीडियम साइज, जितना आप बेल पेपर लेंगे उससे थोड़ा कम आपको प्याज लेनी है। इसके अलावा हम कुछ स्पाइसेस भी लेंगे, वो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। स्पाइसेस में लेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 2 पिंच शुगर। ये सारी जो स्पाइसीनेस है इसे बैलेंस करने के लिए शुगर। अब इन सब चीजों का एक पेस्ट बना लेंगे। मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर का जार और इसमें ऐड कर रही हूँ सारी इंग्रेडिएंट्स। अच्छा, ट्रेडिशनली जब इस रेसिपी को बनाते हैं तो इसमें कश्मीरी रेड चिली ऐड नहीं करते हैं, इसमें ऐड करते हैं बर्ड आई चिली। वो एक तरह की थाई चिली होती है, रेड कलर की होती है और बहुत तीखी होती है। तो क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस रेसिपी में कश्मीरी रेड चिली ऐड करके आपको बताया है। तो अगर आपको बर्ड आई चिली मिले तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, बट ध्यान रखें वो बहुत तीखी होती है, इसलिए 2 की जगह आप 1 ही ऐड करें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको अभी दिखाया। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर, मैं यहाँ पे व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल या फिर आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए, तो चलिए अब इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो ये मैंने इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। मैंने इस पेस्ट को बनाने में कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया, प्याज के जो पानी रिलीज हुआ उसी के साथ ये पेस्ट बना है। तो अब इस पेस्ट के साथ हम करेंगे चिकन के मैरिनेट और इसी पेस्ट के साथ बनाएंगे पेरी पेरी सॉस भी। चिकन मैंने यहाँ पे लिया है 2 लेग क्वार्टर जिसे अभी हम मैरिनेट करेंगे, और इस चिकन पे मैंने कट्स लगा लिए थे या जिसे कहते हैं गैशेज लगा लिए थे। चिकन को अगर मैं आपको वेट से बताऊं तो ये अराउंड 1/2 केजी चिकन है। तो चिकन को अब हमने जो पेस्ट बनाया उसके साथ मैरिनेट करेंगे। सारा पेस्ट हमें मैरिनेशन में डालने की जरूरत नहीं है, अराउंड 3/4 ऑफ द पेस्ट हम चिकन को मैरिनेट करने में इस्तेमाल करेंगे और 1/4 ऑफ द पेस्ट रख देंगे पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए। और ये मैरिनेशन में काफी चिली होती है, इसलिए आप इसे किसी स्पून की मदद से ही लगाएं। तो ये देखें, चिकन को हमने अच्छे से पेस्ट के साथ मैरिनेट कर दिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया 3/4 ऑफ द पेस्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और अराउंड 1/4 यहाँ पे बच गया है जिससे हम आगे पेरी पेरी सॉस बनाएंगे। तो अब इसे हम होने देते हैं मैरिनेट नेक्स्ट 1 आवर के लिए। आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो आप 4 घंटे या फिर ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो चिकन हो चुका है हमारा अच्छे से मैरिनेट, तो चलिए इसे बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे हम अवन में नहीं बल्कि स्टफ पे बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें ऐड करें अराउंड 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमने मैरिनेशन में भी डाला है तो इतना ऑयल काफी रहेगा। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे कर लेते हैं गरम, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। पैन हमारा परफेक्टली गर्म है, ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें ऐड कर देते हैं चिकन। पहले चिकन ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम चिकन के ऊपर से लगा देंगे जो पेरी पेरी का हमने पेस्ट बनाया था जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, तो बेसिकली वही हम ऊपर से जो बचा हुआ मैरिनेट है लगा देंगे। जो बचा हुआ मैरिनेशन था उसे इस तरह से मैंने चिकन के ऊपर लगा दिया है, इससे चिकन अच्छे से कोट हो जाएगा मैरिनेशन में। फ्लेम हमारा ऑन है मीडियम पे, और अभी हम चिकन को डालने के बाद 3 से 4 मिनट इसे ऐसे ही पकने देंगे ताकि जो नीचे वाली साइड है उससे चिकन का कलर चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट बाद चिकन की साइड्स फ्लिप कर देंगे। डोंट वरी अगर साइड फ्लिप करने में आपका मैरिनेशन थोड़ा बहुत चिकन से उतर जाता है। जब हम पैन पे इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है, बट वी कैन ऑलवेज फिक्स इट। आप वापस से उस मैरिनेशन को चिकन के ऊपर ब्रश कर दें।
तो यहाँ पे जो पैन पे एक्सेस मैरिनेशन था और एक दो टेबलस्पून मैरिनेशन मेरे पास बचा हुआ था जिस बाउल में हमने मैरिनेट किया था, तो वो दोनों ही मिला के इसको अच्छे से ब्रश कर दिया है। अब इस तरफ से भी हम 4 से 5 मिनट तक पकने देते हैं। आप चाहें तो इसे अवन में भी बना सकते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे 20 से 25 मिनट के लिए अवन में बेक कर लें। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसे दूसरी तरफ से भी पकते हुए, तो अब हम इस पैन को कर देंगे कवर और कवर करके इसे अगले 10 मिनट तक पकाएंगे। बेसिकली हमें इस चिकन को गला लेना है, इसलिए हम इसे कवर करके पका रहे हैं। इस स्टेज पे आपको इसका ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि चिकन जल जाए, तो आप बीच बीच में इसे ओपन करके चेक करते रहें। अगर लगे कि चिकन जल रहा है तो थोड़ा सा पानी 1 या 2 टेबलस्पून ऐड कर दें। 8 से 10 मिनट बाद मैंने लिड हटाया है और चिकन अब देखने में लग रहा है कि बिल्कुल गल चुका है। आप चाहें तो चिकन में किसी नाइफ या फोर्क को इंसर्ट करके भी चेक कर लें। तो चिकन हमारा गल चुका है, तो अब बस हम इसकी साइड्स फ्लिप करके 2 से 3 मिनट हर तरफ से पकाएंगे ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा ग्रिल लुक आ जाए। 2 से 3 बार हम इसे फ्लिप करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा चिकन का साइज है और कितना टाइम लग रहा है इस पर अच्छा सा ग्रिल मार्क आने के लिए। जब भी आप इसे फ्लिप करें तो जो भी मसाला पैन में है उसे आप ब्रश की मदद से वापस से चिकन के ऊपर लगा दें। तो जब फाइनल स्टेज में आप मसाला लगा के इसे फ्लिप करेंगे ना, तो अच्छे से जो मसाला है वो स्टिक कर जाएगा चिकन के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे ऑयल की कमी लग रही है तो आप 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऊपर से ड्रिजल कर सकते हैं। ऑयल्स डालने से चिकन पे जो ग्रिलिंग का इफेक्ट है वो अच्छा आता है, देखने में अच्छा लगता है चिकन। वैसे तो ये चिकन हमेशा कोयले के ऊपर बारबेक्यू स्टाइल में या फिर ग्रिलर पे बनाया जाता है, मगर हम इसे पैन में बना रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि पैन में भी ये बिल्कुल उसी तरह बने। तो बस हर तरफ से इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे 3-4 बार फ्लिप किया और ये चिकन अब अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने अच्छे ग्रिल मार्क्स आए। तो ये हमने आसानी से बना लिया पेरी पेरी ग्रिल चिकन अपने पैन में। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक अच्छा सा सॉस। सॉस बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल और इसे गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पेरी पेरी पेस्ट जो हमने बनाया था, जिसमें से हमने 3/4 इस्तेमाल किया था मैरिनेट करने के लिए और 1/4 हमने अलग कर दिया था। तो ये 1/4 ऑफ दैट पेस्ट है, इसको हम ऐड कर देंगे पैन में और 3 से 4 मिनट तक इसे पकाएंगे। पेरी पेरी सॉस काफ़ी तीखा होता है, इसके लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं पेस्ट में। इस पेस्ट को बेसिकली हमें इतना देर पकाना है कि इसमें जो अनियन है उसकी रॉ स्मेल चली जाए। आपको याद होगा ये पेस्ट बनाने के लिए हमने अनियन का इस्तेमाल किया है। तो बस 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे तो वो रॉ स्मेल चली जाएगी। अब ये पक चुका है और पकने के साथ ही साथ थोड़ा ड्राई हो गया है, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप पानी। पानी मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अराउंड 1 टेबलस्पून बटर। जब तक बटर मेल्ट हो रहा है हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कोई भी रेड चिली सॉस, या तो आप सेराचा का इस्तेमाल कर लें या टबेस्को का, और अगर ये दोनों ना है तो कोई भी सिंपली रेड चिली सॉस इसमें ऐड कर दें। चिली सॉस हमने पहले नहीं डाला क्योंकि चिली सॉस को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देना है। अगर ये थोड़ा थिक होता जाए तो इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर दें और इसमें इस तरह का एक बबल आने का वेट करें। सॉस हमारा रेडी हो चुका है, तो फ्लेम को करते हैं ऑफ और अब करते हैं प्लेटिंग। इसकी प्लेटिंग मैंने 2 तरह से की है, या तो आप इसे इस तरह से राइस के ऊपर रख सकते हैं और साइड में सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर एक इस तरह का प्लेटर बना के भी सर्व कर सकते हैं जहां सैलेड है, राइस है, सॉस है और चिकन है ग्रिल। या फिर आप सिंपली पेरी पेरी चिकन के ऊपर पेरी पेरी सॉस इस तरह से डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, जैसे पसंद हो वैसे इंजॉय करें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ओवन में बना सकते हैं या फिर इस तरह से पैन में भी बना सकते हैं। तो मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।